क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 7 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 13 की आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इन एनी ए ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो हर क्वेश्चन में गिवन है आपको, ए ये बी और ये सी। ये एंगल आपका ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। इस एंगल के सामने वाली साइड आपकी ए हो गई, इस बी एंगल के सामने वाली साइड बी हो गई और इस एंगल कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी आपकी साइड हो गई। तो यहां से साइन फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, कोसाइन फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। नेपियर फॉर्मूला भी यहीं पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे फर्स्ट तो ये हो गया आपका कि ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 180 है। तो ये यूज करेंगे अपन बाद में जब भी आएगा। तो मैंने पहले इसको ड्रॉ कर दिया। अब अपन क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस 2a अपॉन में ए स्क्वायर माइनस कोस 2b अपॉन में बी स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर आपको लाना है। तो कोस 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 2a को क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है इसका, ये जो साइन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग साइन में कन्वर्ट कर दूं तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 माइनस, फॉर्मूला जानते हैं कोस 2a का साइन के फॉर्मेट में, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन में कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस, इसमें चेंज करें तो 1 माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर b अपॉन में कितना आएगा आपका, b स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपका साइन फॉर्मूला क्या है, a अपॉन साइन a कैपिटल a और इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू के, या तो ऐसे लिख सकते हो या इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो साइन a अपॉन में a इक्वल टू साइन b अपॉन b और साइन c अपॉन c। इसको भी k मान लीजिए, इसको भी k मान लो। यहां से साइन a की वैल्यू एक की आ जाएगी, साइन a की वैल्यू कितनी आएगी, एक की आ जाएगी और एक के मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो देखो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 माइनस, ठीक है ना, ये साइन है भैया आपका, 1 माइनस 2 इंटू साइन a, a की वैल्यू कितनी है आपकी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन a की वैल्यू एक के, इस एक के का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू आ गई b के, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, b स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू k स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, बी स्क्वायर। लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करूं तो 1 अपॉन में a माइनस, इसमें इसको डिवाइड करूं तो 2 इंटू a की अपॉन में a स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया ना, या फिर लिख दो एक बार a, ये आ जाएगा एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो वापिस वही फॉर्मेट, फिर यहां पर ये माइनस है, ये वैल्यू होगी 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर से प्लस 2 माइनस के 2 के स्क्वायर कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये आपकी रिमेनिंग वैल्यू यहां से रह जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना था, ठीक है ना। जैसे जो वैल्यू आई है उसी का, जैसे साइन फॉर्मूला ऊपर वाला था उसका मैंने रेसिप्रोकल करके साइन ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर
14 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या किया माना है, सबसे पहले तो वही देख लीजिए आप, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, जैसे भी पॉसिबल है वैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 cos a - b into cos c upon में 1 cos a - c into cos b इक्वल टू प्रूव करना है a² + b² upon में a² + c² ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अपन यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी को, a + b वाली प्रॉपर्टी को, a + b + c = 180 degree जो प्रॉपर्टी है उसका यूज यहां पे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो 1 cos a - b into cos c अपॉन में 1 cos a - c cos b ये वैल्यू। अब 1 cos a - b into cos c की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 180 degree - a + b लिख सकता हूं, ठीक है ना। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है 12 और 11 में मैं डिस्कस किया था कैसे लिया था ना, फिर 1 cos a - c into cos b की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मैं 180 degree - a + c लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला जानते हैं अपन कि cos पाई लिख दो या 180 लिख दो, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, नेगेटिव होता है, और 180 की वजह से cos cos में रहेगा और ये थीटा, यहां पे ये थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आएगी 1 और जो ये माइनस आएगा वो एक बार प्लस कर देता हूं इसको, तो cos a - b यहां से ये जो माइनस है इस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस और cos a + b ये फॉर्मेट अपॉन में ये भी माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, तो ये भी माइनस पुट कर दो और cos a - c into cos a + c ये फॉर्मेट। अब एक फॉर्मूला जानते हैं अपन कौन सा, cos a + b into cos a - b का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, cos² a - cos² sin² b ये फॉर्मेट जानते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यहां पे पुट कर दूं तो 1 माइनस क्या वैल्यू आएगी, cos² a - cos² sin² b ये फॉर्मेट अपॉन में 1 माइनस इसमें अप्लाई करें तो cos² पहले a माइनस सी है तो वैल्यू आएगी पहले a वाला एंगल फिर आएगा साइन के साथ में सी वाला एंगल ये आ जाएगा। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो 1 cos² a - - plus sin² b अपॉन में 1 cos² a + sin² c ये वैल्यू आ गई। अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो a² + b² है तो इसकी वैल्यू तो b² होगी, इसकी वैल्यू c² होगी, यदि इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दूं और इसको साइन में कन्वर्ट कर दूं तो ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लिख सकता हूं मैं इसको 1 - sin² a कितना, 1 - cos² a कितना, sin² a प्लस ये वैल्यू आ जाएगी sin² b अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी sin² a + sin² c ये वैल्यू आ गई। अब साइन की वैल्यू में इस फॉर्मूले से निकालू तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, साइन ए की वैल्यू 1 की आ जाएगी ना, और इस पूरे का क्या है 4² है, प्लस साइन बी की वैल्यू b² अपॉन 1² प्लस साइन सी की वैल्यू c² यहां पे लिख देना बाई साइन फॉर्मूला, बाई यूजिंग द साइन फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो भाई। अब मैं स्क्वायर कर दूं तो a² k²
फिर इसका करें तो बी का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर के का स्क्वायर ये आ जाएगा। के स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल दूं तो के स्क्वायर तो बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में नीचे से भी के स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वैल्यू, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है, ठीक है। ऐसे पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप साथ साथ में, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट याद हैं तभी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई करते जाओ, ठीक है ना। कई बच्चों का कमेंट रहता है सर ये माइनस के सिवा ये प्लस के सिवा, वो कब पता चलेगा जब सारा ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं उन सबका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी ये सारे आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूले नाम से एक वीडियो यानी प्लेलिस्ट में जाके देखना या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखना, सारे फॉर्मूले जितने मैथमेटिक्स के हैं वो सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। पहले आप उनको देख लेना एल्जेब्रिक फॉर्मूले में, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 9 से लेकर 12 तक यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले वहां पे, तो पहले आप उनको देखिए। और विद जो आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके बारे में सारा वहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप उनको देख लीजिए तभी ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी इक्वल टू जीरो ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, तो क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी ये वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं कोट को साइन और कोस में चेंज कर दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में अपॉन नहीं है ना इसके तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको चेंज कर दो तो कोस कोट को चेंज करो तो कोस बी अपॉन में साइन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से चेंज करें तो कोस सी अपॉन में साइन सी ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो साइन फॉर्मूले से आप लिख सकते हो कोस फॉर्मूले आप जानते ही हो तो सारे फॉर्मूले यहां पे पुट होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना आराम से देखना पेशेंस के साथ देखना, देखो वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये तो वैल्यू एक तरफ होगी। कोस ए की वैल्यू अपन जानते हैं इसको मैं यहां पे लिख देता हूं देखना ध्यान से, कोस ए की वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग ये ए स्क्वायर नीचे कितना आएगा टू इंटू बी सी अपॉन में इस साइन ए की वैल्यू यहां से निकालू तो ए इंटू के हो गए तो ये वैल्यू आ गई ए की, ठीक है। ध्यान से समझ जाना इसको, ठीक है। प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो आपका एक तरफ है इसमें वैल्यू में पुट करूं तो कोस बी की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वैल्यू आएगी टू इंटू ए सी इसकी अपॉन में वैल्यू आएगी साइन बी की वैल्यू कितनी बी के ये वैल्यू आपकी इसकी होगी। इसको मैं चेंज करूं तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो एक तरफ हो गया, कोस सी को क्या ले सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टू इंटू
ए बी अपॉन में सी के, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये नीचे आएगा ना, तो वैल्यू हो गई 2 इंटू ए बी सी के, ये वैल्यू होगी। ठीक है, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए बी सी के, ये वैल्यू इसकी होगी। फिर प्लस इसको मैं लिखूं तो वैल्यू आपकी आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में जो वैल्यू आपकी आई है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, ए बी सी के, और साथ में 2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से देखना, मैं 1 अपॉन 2 ए बी सी के तो बाहर निकाल दिया, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूंगा, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये प्लस है, ये प्लस लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके साथ में कौन मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू तो बाहर आ गई, 1 अपॉन 2 ए बी सी के बाहर आ गया, तो प्लस में वैल्यू आपकी रह जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से पूरी रह जाएगी। अब मल्टीपल मल्टीप्लाई वाला केस यहां पे चलता है, देखो मल्टीप्लाई करवाते हैं, आराम से करवाना आपको, ध्यान से देखना आप, 1 अपॉन 2 ए बी सी के तो बाहर, इसका इसको रहने दो एक बार, इस b को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो इस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर के साथ में b की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इस माइनस सी का मल्टीप्लाई इसके साथ में करवा दूं तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो माइनस सी की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लीजिए, ये तो हो गया इतना। फिर इन दोनों का करवाएं तो आपकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस ए का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ए की पावर 4, ये माइनस का ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो प्लस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इन दोनों को देखो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस का बी की पावर 4, फिर प्लस का बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहां से बच जाएगी, यानी मल्टीप्लाई करवाने के बाद में आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, सबसे पहले बी की पावर 4 देखो, बी की पावर 4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव से कैंसिल आउट, फिर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखो, ये नेगेटिव है ना, तो ये इससे कैंसिल आउट, फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव आपका ये रहा। ठीक है, देखो इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ये नेगेटिव ये भी आपकी, ये वैल्यू आपकी ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखो ये रहा, ठीक है, उसके बाद में सी की पावर 4, सी की पावर 4, सी की पावर 4 से कैंसिल आउट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखो कहां पे है, ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव है, फिर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये बचा देखो कहीं पे मिस्टेक हुई है, ए की पावर 4 से ए की पावर 4 और ए की पावर 4 कैंसिल आउट,
ठीक है। अब मिस्टेक हुई है कहां पे हुई है देखते हैं। देखो ये वाली वैल्यू है ना, ये 20 बी की पावर 4, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ठीक है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक है। इसका मैं कराऊं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 और ये वैल्यू हो गई ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहां पे देखो इसका मल्टीप्लाई ये करवाएं तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ये करवाएं तो यहां पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस का आएगा ना। देखो दोबारा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करवाएं तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करवाएं तो माइनस का बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये वैल्यू आएगी ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, अब जो कैंसिल आउट हुआ ना वो इससे हुआ था ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू इससे एक से कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ना। ये आप देख लेना आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वन अपॉन में टू ए बी सी के, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई पूरा जीरो आ जाएगा और जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई, जीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो। अब ये देखो आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बारे में ठीक है। तो ये था आपका, इसको रब कर देता हूं मैं ठीक है, आप पॉज कर लेना भाई आराम से करना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या गिवन है, 16 में आपको गिवन है ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए इंटू कोसेक स्क्वायर बी प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इंटू कोसेक स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें भी जीरो आएगा ठीक है, तो देखो करते हैं जीरो वाला केस। तो इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 16 की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पर देखिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू आपकी है ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी इंटू कोसेक स्क्वायर ए ये वैल्यू, फिर आगे इसके बाद में वैल्यू है बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए इंटू कोसेक स्क्वायर बी प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी इंटू कोसेक स्क्वायर सी ये वैल्यू है ठीक है। ध्यान से देखो एक की वैल्यू तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से एक की वैल्यू लिख सकता हूं के इंटू साइन ए लिख सकता हूं ना, और क्यूब है तो इसका क्यूब कर दो ए क्यूब इंटू साइन क्यूब ए ये लो ठीक है ना, लिख सकते हो ना। यहां से देखो ए की वैल्यू क्या आएगी के इंटू साइन ए आएगा, इसका मैं क्यूब करूंगा तो इसका क्यूब होगा और इसका क्यूब होगा ये तो होगा, ऐसे बी की वैल्यू पुट कर देना और फिर मल्टीप्लाई में आपका क्या है साइन बी माइनस सी और फिर इसके डिवाइड में क्या है वन अपॉन में कोस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ये तो वैल्यू होगी इसकी। फिर आगे इसको सोल्व करूं तो बी क्यूब को क्या लिखूं के इंटू यानी के क्यूब इंटू साइन क्यूब बी, फिर है आपका साइन सी माइनस ए, फिर है वन अपॉन में साइन स्क्वायर बी ये वैल्यू है। अब सी वाले टर्म को देखो तो ये तो सी क्यूब को क्या लिख सकता हूं के क्यूब इंटू साइन क्यूब सी और साइन ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी और कोसेक स्क्वायर सी को क्या लिख सकता हूं वन अपॉन में साइन स्क्वायर सी लिख सकता हूं। अब जो कटने वाली चीज उसको काट दीजिए, देखो
इसकी तीन पावर दो से कैंसिल आउट, ठीक है, इसकी दो पावर इस तीन से कैंसिल आउट, इसकी दो पावर इससे तीन से कैंसिल आउट, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहां पे पावर वन वन बची है, ध्यान रखना, ये लो, और यहां से के क्यूब को मैं कॉमन निकाल दूं तो के क्यूब तो बाहर, अब जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग रही वो देखो ध्यान से, यहां पे आपकी साइन ए रिमेनिंग है, फिर है साइन बी माइनस सी है, फिर प्लस, के क्यूब बाहर आ गया और साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, फिर है प्लस के क्यूब बाहर और ये वैल्यू आ जाएगी साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी ये वैल्यू आपकी यहां से रिमेनिंग रह जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो के क्यूब हो गया, ये साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू 180, बी प्लस सी उधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पूरा उधर जाएगा ये वाले का, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर सेम ये आपका इसके आगे लिख दो, साइन बी माइनस सी, ये लो, फिर प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस सी प्लस ए, और इसके साथ में साइन सी माइनस ए, ये इसको लिख सकता हूं, फिर प्लस है, ये लीजिए प्लस, साइन सी को क्या लिख सकता हूं, साइन सी को लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, और इसके साथ में साइन ए माइनस बी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस पूरे की, ठीक है। अब एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, कौन सा, कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आपको गिवन है, तो साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आएगा, ये तो के क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से, तो साइन बी प्लस सी, फिर साइन बी माइनस सी, प्लस साइन सी प्लस ए, फिर साइन सी माइनस ए, फिर यहां से लिख सकता हूं मैं प्लस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। अब फॉर्मूला जानते हैं अपन, किसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी के क्यूब इंटू, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, देखो ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी, बी प्लस सी है, तो साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर प्लस, ये प्लस, यहां पे ए प्लस बी की जगह क्या सी प्लस ए है, तो पहले सी लिखो, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए प्लस बी सेम ही आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू आपकी इसकी हो जाएगी। अब कटने वाली वैल्यू काट दीजिए, कैंसिल आउट कौन हो रहा है, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट, पॉजिटिव थी नेगेटिव, माइनस साइन स्क्वायर सी से प्लस साइन स्क्वायर सी कैंसिल आउट, माइनस साइन स्क्वायर ए से प्लस साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट, यानी के क्यूब के साथ में कौन मल्टीप्लाई, कितनी वैल्यू बची यहां पे, जीरो, जो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो उस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, ये हो जाएगी आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना, हर फॉर्मूले के साथ में आपको चल के जाना है, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व आपके होंगे, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 17 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।